हेलो फ्रेंड, स्वागत है एक बार फिर आपका हमारे चैनल मैसान स्टारडस्ट में। और फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भंसाली प्रोडक्शन हाउस के बैनर तले बनने वाली मूवीज के बारे में। वीवर भंसाली प्रोडक्शन हाउस के चेयरमैन हैं बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के फेमस राइटर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर संजय लीला भंसाली। संजय लीला भंसाली ने अपने फिल्मी करियर का आगाज एज असिस्टेंट डायरेक्टर विद्यू विनोद चोपड़ा के साथ किया था और उनके प्रोडक्शन हाउस की मूवीज परिंदा, 1942 अ लव स्टोरी और करीब, ये तीन मूवीज हैं जिनमें एज असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर संजय लीला भंसाली ने काम किया था। उसके अलावा एज अ डायरेक्टर संजय लीला भंसाली की डेब्यू मूवी थी खामोशी द म्यूजिकल। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कमर्शियली तो अनसक्सेसफुल रही, लेकिन क्रिटिक्स ने इस फिल्म में उनकी डायरेक्शन को बेहद सराहा और उसके बाद से उनका हौसला बढ़ा और उन्होंने बहुत सारी मूवीज न सिर्फ लिखी बल्कि डायरेक्ट और प्रोड्यूस भी की। तो इसी तरह भंसाली प्रोडक्शन हाउस की बुनियाद पड़ी और आज की इस वीडियो में हम भंसाली प्रोडक्शन हाउस के बैनर तले बनने वाली तमाम मूवीज की डिटेल आप व्यूअर्स के साथ शेयर करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि हमारी आज की कोशिश भी आप व्यूअर्स को पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक्स ही हमारी असल अर्निंग है। तो चले फ्रेंड, शुरू करते हैं हम अपना आज का ये वीडियो। तो यार, भंसाली प्रोडक्शन हाउस के बैनर तले बनने वाली पहली मूवी है हम दिल दे चुके सनम। इस फिल्म को खुद संजय लीला भंसाली ने डायरेक्ट किया था। फिल्म की लीड कास्ट में सलमान खान, अजय देवगन, ऐश्वर्या राय शामिल थे और ये फिल्म 18 जून 1999 को रिलीज हुई थी। फिल्म का बजट था 16 करोड़ और इसने इंडिया में 24 करोड़ 76 लाख के कलेक्शन किए। फिल्म के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन थे 43 करोड़ 86 लाख और बॉक्स ऑफिस पर भंसाली प्रोडक्शन हाउस की पहली मूवी हम दिल दे चुके सनम एक हिट फिल्म साबित हुई थी। और व्यूअर, भंसाली प्रोडक्शन हाउस के बैनर तले बनी नेक्स्ट मूवी का नाम है ब्लैक। इस फिल्म को भी डायरेक्ट किया था संजय लीला भंसाली ने। फिल्म की लीड कास्ट में रानी मुखर्जी, अमिताभ बच्चन, आयशा कपूर शामिल थे और ये फिल्म 4 फरवरी 2005 को रिलीज हुई थी। फिल्म का बजट था 20 करोड़ और इसने इंडिया में 23 करोड़ 19 लाख के कलेक्शन किए। फिल्म के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन थे 40 करोड़ 18 लाख और बॉक्स ऑफिस पर ब्लैक एक एवरेज मूवी साबित हुई थी। और व्यूअर, भंसाली प्रोडक्शन हाउस के बैनर तले बनी नेक्स्ट मूवी का नाम है सावरिया। इस फिल्म को भी खुद संजय लीला भंसाली ने डायरेक्ट किया था। फिल्म की लीड कास्ट में रणबीर कपूर, सोनम कपूर, रानी मुखर्जी, सलमान खान, जोया सहगल शामिल थे और यह फिल्म 9 नवंबर 2007 को रिलीज हुई थी। फिल्म का बजट था 45 करोड़ और इसने इंडिया में 20 करोड़ 92 लाख के कलेक्शन किए। फिल्म के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन थे 39 करोड़ और बॉक्स ऑफिस पर सावरिया एक डिजास्टर मूवी साबित हुई थी। और व्यूअर, भंसाली प्रोडक्शन हाउस के बैनर तले बनी नेक्स्ट मूवी का नाम है गुजारिश। इस फिल्म को भी खुद संजय लीला भंसाली ने डायरेक्ट किया था। फिल्म की लीड कास्ट में ऋतिक रोशन, ऐश्वर्या राय, अदिति रॉय कपूर शामिल थे और यह फिल्म 19 नवंबर 2010 को रिलीज हुई। फिल्म का बजट था 74 करोड़ और उसने इंडिया में 29 करोड़ 32 लाख के कलेक्शन किए। फिल्म के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन हुए थे 61 करोड़ 30 लाख और बॉक्स ऑफिस पर गुजारिश एक डिजास्टर मूवी साबित हुई थी। और व्यूअर, भंसाली प्रोडक्शन हाउस के बैनर तले बनी नेक्स्ट मूवी का नाम है माय फ्रेंड पिंटू। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था राघव धार ने। फिल्म की लीड कास्ट में प्रातिक बब्बर और काल्की कोचलैन शामिल थे और यह फिल्म 14 अक्टूबर 2011 को रिलीज हुई थी और ये भंसाली प्रोडक्शन हाउस की पहली फिल्म थी जिसे खुद संजय लीला भंसाली ने डायरेक्ट नहीं किया था। फिल्म का बजट था 9 करोड़ और उसने इंडिया में 1 करोड़ 91 लाख के कलेक्शन किए। फिल्म के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन हुए 2 करोड़ और बॉक्स ऑफिस पर माय फ्रेंड पिंटू एक डिजास्टर मूवी साबित हुई थी। और व्यूअर, भंसाली प्रोडक्शन हाउस के बैनर तले बनी नेक्स्ट मूवी का नाम है राउडी राठौर। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था प्रभु देवा ने। फिल्म की लीड कास्ट में अक्षय कुमार, सोनाक्षी सेना, पारेश गनात्रा, गुरदीप कोहली और यशपाल शर्मा शामिल थे और यह फिल्म 1 जून 2012 को रिलीज हुई थी। फिल्म का बजट था 77 करोड़ और इसने इंडिया में 133 करोड़ 25 लाख के कलेक्शन किए। फिल्म के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन थे 203 करोड़ 39 लाख और बॉक्स ऑफिस पर राउडी राठौर एक ब्लॉकबस्टर मूवी साबित हुई थी और ये भंसाली प्रोडक्शन हाउस की पहली बहुत बड़ी सक्सेसफुल मूवी साबित हुई थी। और व्यूअर, भंसाली प्रोडक्शन हाउस के बैनर तले बने नेक्स्ट मूवी थी शीरी फरहाद की तो निकल पड़ी। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था बेला भंसाली सहगल ने, जो कि संजय लीला भंसाली की बहन है और इस फिल्म की लीड कास्ट में बमन ईरानी, फराह खान शामिल थे और ये फिल्म 24 अगस्त 2012 को रिलीज हुई थी। फिल्म का बजट था 19 करोड़ और उसने इंडिया में 11 करोड़ 25 लाख के कलेक्शन किए और फिल्म के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन थे 18 करोड़ 41 लाख और बॉक्स ऑफिस पर शीरी फरहाद की तो निकल पड़ी एक फ्लॉप फिल्म साबित हुई थी। और व्यूअर, भंसाली प्रोडक्शन हाउस के बैनर तले बनी नेक्स्ट मूवी का नाम है गोलियों की रसलीला रामलीला। इस फिल्म को खुद संजय लीला भंसाली ने डायरेक्ट किया था। फिल्म की लीड कास्ट में दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह शामिल थे और यह फिल्म 15 नवंबर 2013 को रिलीज हुई।
फिल्म का बजट था 88 करोड़ और इसने इंडिया में 116 करोड़ 33 लाख के कलेक्शन किए और फिल्म के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन थे 207 करोड़ 33 लाख और बॉक्स ऑफिस पर गोलियों की रसलीला रामलीला ये एक हिट फिल्म साबित हुई थी। और व्यूअर, भंसाली प्रोडक्शन हाउस के बैनर तले बनी नेक्स्ट मूवी है मैरी कॉम। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था उमंग कुमार ने। फिल्म की लीड कास्ट में प्रियंका चोपड़ा, दर्शन कुमार, सुनील थापा शामिल थे और यह फिल्म 5 सितंबर 2014 को रिलीज हुई। फिल्म का बजट था 38 करोड़ और उसने इंडिया में 56 करोड़ 50 लाख के कलेक्शन किए और फिल्म के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन थे 91 करोड़ 48 लाख और बॉक्स ऑफिस पर मैरी कॉम एक हिट फिल्म करार दी गई थी। और व्यूअर, भंसाली प्रोडक्शन हाउस के बैनर तले बनी नेक्स्ट मूवी है गब्बर इज बैक। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था कृष ने। फिल्म की लीड कास्ट में अक्षय कुमार, श्रुति हसन, सुमन तलवार और सुनील ग्रोवर शामिल थे और यह फिल्म 1 मई 2015 को रिलीज हुई थी। फिल्म का बजट था 79 करोड़ और उसने इंडिया में 87 करोड़ 55 लाख के कलेक्शन किए। फिल्म के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन थे 139 करोड़ 41 लाख और बॉक्स ऑफिस पर गब्बर इज बैक एक सीमी हिट फिल्म साबित हुई। और व्यूअर, भंसाली प्रोडक्शन हाउस के बैनर तले बनी नेक्स्ट मूवी है बाजीराव मस्तानी। इस फिल्म को खुद संजय लीला भंसाली सर ने डायरेक्ट किया था। फिल्म की लीड कास्ट में रणवीर सिंह, दीपिका पादुकोण, प्रियंका चोपड़ा शामिल थे और यह फिल्म 18 दिसंबर 2015 को रिलीज हुई। फिल्म का बजट था 145 करोड़ और इसने इंडिया में 184 करोड़ 20 लाख के कलेक्शन किए और फिल्म के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन हुए 355 करोड़ 61 लाख और बॉक्स ऑफिस पर बाजीराव मस्तानी एक हिट फिल्म साबित हुई थी। और व्यूअर, इसी तरह भंसाली प्रोडक्शन हाउस की नेक्स्ट मूवी का नाम है पद्मावत। इस फिल्म को भी खुद संजय लीला भंसाली सर ने डायरेक्ट किया था। फिल्म की लीड कास्ट में दीपिका पादुकोण, रणवीर सिंह और शाहिद कपूर शामिल थे और यह फिल्म 25 जनवरी 2018 को रिलीज हुई थी। फिल्म का बजट था 215 करोड़ और इसने इंडिया में 302 करोड़ 15 लाख के कलेक्शन किए। फिल्म के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन हुए 571 करोड़ 98 लाख और बॉक्स ऑफिस पर पद्मावत एक ब्लॉकबस्टर मूवी करार दी गई और ये अब तक की भंसाली प्रोडक्शन हाउस में सबसे ज़्यादा कलेक्शन करने वाली मूवी भी साबित हुई है। और व्यूअर, भंसाली प्रोडक्शन हाउस की नेक्स्ट मूवी का नाम है मलाल। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था गणेश हदावाले ने। फिल्म की लीड कास्ट में मिजान जाफरी, शर्मीन सेगल शामिल थे और ये फिल्म 5 जुलाई 2019 को रिलीज हुई थी। फिल्म का बजट था 16 करोड़ और उसने इंडिया में 3 करोड़ 11 लाख के कलेक्शन किए। फिल्म के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन थे 3 करोड़ 70 लाख और बॉक्स ऑफिस पर मलाल एक डिजास्टर मूवी साबित हुई और यही अब तक की भंसाली प्रोडक्शन हाउस की रिलीज होने वाली आखिरी मूवी साबित हुई है। और व्यूअर, भंसाली प्रोडक्शन हाउस की अपकमिंग मूवीज़ की बात करें तो उनकी सबसे पहले आने वाली मूवी का नाम है गंगूबाई काठियावाड़ी। इस फिल्म को खुद संजय लीला भंसाली डायरेक्ट करेंगे। फिल्म की लीड कास्ट के लिए पहले आलिया भट्ट और अजय देवगन के नाम लिए गए थे लेकिन अब कहा जा रहा है कि इस फिल्म का हिस्सा नहीं होंगे अजय देवगन, उनकी जगह किसी और एक्टर को लिया जाएगा। इस फिल्म को प्लान किया गया है 2021 में रिलीज करने के लिए। और व्यूअर, भंसाली प्रोडक्शन हाउस की नेक्स्ट अपकमिंग मूवी का नाम है बैजू बावरा। इस फिल्म को भी खुद संजय लीला भंसाली डायरेक्ट करेंगे और अनाउंसमेंट के टाइम पर कहा गया था कि इस फिल्म की लीड कास्ट में अजय देवगन शामिल होंगे लेकिन आजकल खबरें गर्म हैं कि इस फिल्म से भी अजय देवगन को निकाल दिया गया है और फिल्म की लीड कास्ट के लिए रणबीर कपूर और दीपिका पादुकोण के नाम फाइनल किए गए हैं और इस फिल्म को भी 2021 में शूटिंग फ्लोर पर लाया जाएगा तो हो सकता है कि 2022 में ये फिल्म थिएटर्स पर भी रिलीज हो जाए। और व्यूअर, इसी तरह भंसाली प्रोडक्शन हाउस की नेक्स्ट अपकमिंग मूवी का नाम है ट्यूसडे एंड फ्राइडे। इस फिल्म को डायरेक्ट करेंगे तरणवीर सिंह और फिल्म की लीड कास्ट में जेटली का मल्होत्रा, निकी वालिया और अनमोल ढिलोन शामिल होंगे और ये फिल्म भंसाली प्रोडक्शन हाउस के अंडर बनेगी और ये एक म्यूजिकल रोमांटिक कॉमेडी मूवी होगी जो कि 2021-2022 में थिएटर्स पर रिलीज के लिए प्लान की गई है। और व्यूअर, भंसाली प्रोडक्शन हाउस की नेक्स्ट अपकमिंग मूवी है इंशाल्लाह। इस फिल्म को डायरेक्ट करना था संजय लीला भंसाली ने और फिल्म की लीड कास्ट के लिए आलिया भट्ट और सलमान खान के नाम लिए गए थे लेकिन किसी वजह से सलमान खान इस फिल्म को डेट्स ना दे पाए तो इस फिल्म को शेल्फ कर दिया गया और अब कहा जा रहा है कि आगे चल के इस फिल्म को शूटिंग फ्लोर पर लाया जा सकेगा। हो सकता है कि 2021 के एंड या 2022 के स्टार्ट में इस फिल्म की भी शूटिंग स्टार्ट हो जाए। मे बी इस फिल्म की कास्ट में सलमान खान हो या ना हो लेकिन इंशाल्लाह मूवी का प्रोजेक्ट ऑन बोर्ड है और ये भंसाली प्रोडक्शन हाउस इस फिल्म को ज़रूर बनाएगा। और व्यूअर, भंसाली प्रोडक्शन हाउस का अगर सक्सेस रेशो निकाले तो इस प्रोडक्शन हाउस के बैनर तले 13 मूवीज बनी हैं जिनमें से 2 मूवीज ब्लॉकबस्टर, 4 मूवीज हिट, 1 मूवी सीमी हिट, 1 एवरेज, 1 मूवी फ्लॉप और 4 मूवीज डिजास्टर रही हैं। तो इस हिसाब से भंसाली प्रोडक्शन हाउस का सक्सेस रेशो बनता है 61.54%।
और फ्रेंड ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने भंसाली प्रोडक्शन हाउस के बैनर तले बनी तमाम मूवीज की डिटेल आप व्यूअर्स को प्रोवाइड की। व्यूअर, भंसाली प्रोडक्शन हाउस के बैनर तले बनने वाली इन तमाम मूवीज में आपकी फेवरेट कौन कौन सी मूवीज है कॉमेंट सेक्शन में अपनी फेवरेट मूवीज के नाम मेंशन करना न भूलिएगा। तो फ्रेंड जाते जाते एक बार फिर आपसे कहता चलूं कि हमारी इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आपने हमारे चैनल मेहसान स्टारडस्ट को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और साथ ही साथ इस बेल आइकॉन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। हमारा आज का वीडियो देखने का आप तमाम व्यूअर्स का बहुत बहुत शुक्रिया।